हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPCL के बारे में, यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेट लिमिटेड के बारे में। आज है 30 जुलाई और आज हमें तकरीबन 60% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी आप देख सकते तकरीबन 2 बजने आए हैं और आज की गिरावट के पीछे क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहूँगा। आप देख सकते ये चार्ट यहाँ पे 1 डे का चार्ट है, मैं यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट लगाना चाहूँगा और आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। तकरीबन 16-17 जुलाई के आसपास हमें 100 पॉइंट की यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था और अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला था। इस तेज़ी के पीछे जो न्यूज़ थी उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था और आज हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है उस गिरावट के पीछे भी यही न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है उसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताता हूँ, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो हम न्यूज़ के ऊपर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूज़ में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ और वहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक वीक पहले जब BPCL में तेज़ी हमें देखने को मिली थी तो उस टाइम पे भी यही न्यूज़ थी और आज हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है तो ये भी वही न्यूज़ है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पे है और आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे ये जो न्यूज़ आई थी उसमें गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि उसके पास जो BPCL की 53% की हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट सेल करना चाहती है और उसके लिए फॉरेन के 3-4 कंपनियाँ थी जिसने अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया था। और गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि 31 जुलाई तक डेडलाइन दी गई थी कि आप रिपोर्ट सबमिट कर दो। तो दोस्तों, उस रिपोर्ट की जो तारीख दी गई थी वो तारीख आज फिर से चेंज कर दी है, जिसके चलते हमें गिरावट देखने को मिली है। हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि क्या कौन सी तारीख दी गई है और क्या हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट टू एक्सटेंड BPCL EOI डेट फॉर द 3rd टाइम। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो डेडलाइन दी थी 31 जुलाई की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, वो डेडलाइन बढ़ा दी गई है और ये डेडलाइन तीसरी बार बढ़ाई है दोस्तों, जिसके चलते हमें आज गिरावट देखने को मिली है। हम थोड़ा और डिप में जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने जो डेट दी गई थी 31 जुलाई को, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने 31 जुलाई की डेट दी थी, लेकिन उस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। उससे पहले भी 13 जून की डेट दी थी, तो 13 जून से 31 जुलाई कर दी थी और 31 जुलाई से फिर से एक नई डेट दी गई है। तो इसके चलते हमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के पास जो हिस्सेदारी है 53% की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, द गवर्नमेंट वॉन्ट टू सेल 53% स्टेक। तो वो गवर्नमेंट के पास जो हिस्सेदारी है 53% की, वो गवर्नमेंट सेल करना चाहती है और उसके लिए फॉरेनर इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया था और उन लोगों को बोला गया था कि 31 जुलाई से पहले रिपोर्ट सबमिट करो। और वो डेट जो दी गई थी, डेडलाइन दी गई थी 31 जुलाई की, उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया, जिसके चलते हमें आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो डेडलाइन गवर्नमेंट ने क्यों एक्सटेंड की है उसके पीछे रीजंस की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है, गवर्नमेंट ने जो टारगेट प्राइस रखा है 53% जो स्टेक सेल कर रहे हैं उसका जो प्राइस चाहिए वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मिलता नज़र नहीं आ रहा है, जिसके चलते गवर्नमेंट डेट पे डेट दे जा रही है और तारीख पे तारीख बढ़ाती जा रही है, जिसके चलते हमें एक गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हम आज के कारोबार की डिटेल जान लेते हैं और उसके बाद हम चार्ट के ऊपर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ NSE की वेबसाइट पे आया हूँ और यहाँ पे हमें जो आज के कारोबार की डिटेल देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं तकरीबन 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 453.80 रुपये पे, ओपन हुआ था आज 435.75 रुपये पे, हाई बनाया था 439.90 रुपये का और लो बनाया था 416.15 रुपये का। और अगर हम डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे हमें जो डिलीवरी देखने को मिल रही है वो तकरीबन 28% की डिलीवरी देखने को मिल रही है और अभी तकरीबन 2 बजने आए हैं, तो देखते हैं कि 3 बजे तक कितनी डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जिस तरह से गिरावट आई है
तो यहाँ पे हमें डिलीवरेबल परसेंटेज में गिरावट भी देखने को मिल सकती है 3 बजे तक में। अब दोस्तों मैं चार्ट के ऊपर जाता हूँ और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं, रजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और आने वाले दिनों पे हमें क्या कर सकते हैं और कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है BPCL। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे BPCL का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ की हुई है जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आया था, जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि ये जो मोमेंटम हमें देखने को मिला था वो ये न्यूज़ के चलते देखने को मिला था, जो गवर्नमेंट जो स्टॉक सेल करना चाहती है और जो इंटरेस्ट दिखा रही थी कंपनियाँ उसके चलते हमें यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से हमें तेज़ी देखने को मिली उसी तरह से हमें यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल रही है, ये जो बैड न्यूज आई है उसके चलते। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर के लेवल पे आप देख सकते हैं तकरीबन 485 के आसपास रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। और अगर नीचे सपोर्ट की बात करते हैं और इसमें अगर कंटिन्यूसली गिरावट रहती है दोस्तों तो ये 400 रुपये तक भी हमें गिरता हुआ देखने को मिल सकता है BPCL। और इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो 400 रुपये पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है और नीचे आते हैं तो तकरीबन 360-370 के आसपास भी हमें यहाँ दूसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ तक गिरावट आना तो दोस्तों मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है 400 रुपये तक की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है 400 रुपये का तो यहाँ पे फिर हमें नीचे 360-370 के आसपास भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपनी नज़र में बनाए रख सकते हैं। अगर दोस्तों आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं BPCL में तो अभी वेट कीजिए। तकरीबन 400 रुपये के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो 360 के लेवल के आसपास आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर आप नए तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।